और 2 दिन पहले एक नया अपडेट आया है ओला से कि आप कैश आप निकाल सकते हो अपने अकाउंट इंस्टेंट। सुबह कहाँ भी रश नहीं था, पूरा रास्ते खाली थे दोपहर का टाइम होने के कारण से। तो अभी देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है। अभी साढ़े थोड़ा समुंदर के आगे जा रहा हूँ, गाड़ी पीछे खड़ी की है पर डर लगता है गाड़ी खड़ा करने के बाद कोई टोचन वाला तो नहीं आ जाएगा किलोमीटर के लिए। और उसके बाद मैंने वही पैसेंजर और दूसरे पैसेंजर को जो गाड़ी में साथ में ही थे उनको मैंने तरोजो में ड्रॉप किया, उसको मैंने 350 रुपये का चार्ज किया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। सुबह के 11:15 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं राइड पे निकला हूँ और देखते हैं आज क्या नया सिचुएशन होगा, किस तरह से काम किया जाएगा। कल मैं गाड़ी पे नहीं निकल पाया, कुछ थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा था तो मैंने आराम कर लिया और अपना काम पे चला आया। उसके बाद आज मैं निकला हूँ और 2 दिन पहले एक नया अपडेट आया है ओला से कि आप कैश आप निकाल सकते हो अपने अकाउंट से इंस्टेंट। सुबह के 11:00 के बाद से रात के 11:00 के पहले आप अपने जो भी बैलेंस है ओला के पास, मतलब आपके जैसे मेरे पास ओला के पास मेरे 550 रुपये है तो वो आप इंस्टेंट अपने अकाउंट में ले सकते हो जिसको ज़रूरत है। मतलब अभी जिसके पास पैसा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है वो अपने अकाउंट में पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर दूसरे दिन वो पैसे नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिया है। पर 11:00 के बाद, मतलब दोपहर 11:00 के बाद उन्होंने निकाला है पैसा और उसके बाद भी पैसे अगर उनके अकाउंट में जमा हो रहे तो फिर दूसरे दिन 11:00 के पहले वो अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसा नया अपडेट आया है, उससे बहुत ही फ़ायदा मिला है अपने लोगों को, अपने ओला उबर पार्टनर को, क्योंकि अगर किसी के पास जेब में पैसा नहीं है तो इसका कैश निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा उपक्रम किया है ओला ने अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, जिससे मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी जगह पे फंसे हैं और हम लोग को यूज़ करने के लिए पैसा नहीं है तो हम लोग को उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ ओला को, जिससे ये नया उपक्रम उन्होंने निकाला है हम लोग के सब के लिए। ये फैसिलिटी उबर में भी थी पर वो कितना सक्सेस करता है वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उबर नहीं चलाता हूँ। तो इतना ही बात करना था, अभी हम लोग मैं निकल पड़ा हूँ राइड के लिए। देखते हैं कब नेक्स्ट बुकिंग लगेगी, वेट कर रहा हूँ अगले बुकिंग के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आज पूरा वीडियो देखना, कहाँ कहाँ जाता हो, किस तरह सा बिजनेस करता हो और कितना अर्निंग करके घर पे चला जाता हो और जितने भी अच्छे नज़ारे हो गए, अच्छे जगह हो गए आपको, मैं अगर मुझे मेरे कैमरे में आ गए तो आपको मैं दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। और क्योंकि इससे क्या होता है, सिर्फ अपना अर्निंग दिखाना काम नहीं है, हम लोग जो माहौल में घूमते वो उस माहौल की खूबसूरती और उस माहौल का अलगपन दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये वीडियो अलग अलग टाइप के वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग, देखते हैं कब बुकिंग लगती है। चलो शुरुआत करते हैं, चलो चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे, पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं। और लोअर परेल का बुकिंग दिख रहा है, पैसेंजर को लोअर परेल ड्रॉप करना है, डिजिटल पेमेंट है और सिर्फ 15-20 मिनट में मुझे बुकिंग लगी है। अभी जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ और एंड तक वीडियो देखना, पूरा आपको डिटेल देता रहूँगा कि कितना अर्निंग हुआ, क्या हुआ, कैसे कितने टाइम में अर्निंग हुआ। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। चुका हूँ अभी, यहाँ पे कभी रहेंगे पैसेंजर आसपास, कॉल करना पड़ेगा, एक बार कॉल कर लेते हैं।
दोपहर के 2:45 बजने आए, 1:35 हो गए हैं। पैसेंजर को जस्ट मैंने ड्रॉप किया लोअर परेल में, 1:20 लग गया, ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, कहाँ भी रश नहीं था, पूरा रास्ते खाली थे दोपहर का टाइम होने के कारण से। तो अभी देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है। अभी 750 का तो मेरा अर्निंग हो गया है 43 किलोमीटर के लिए। तो अभी ऐप फिर से ऑन कर देता हूँ, और वॉशरूम करने आया था मैं इधर नज़दीक, तो अभी फ्री हो गया, अभी वो फिर से मैं ऑन कर दूंगा ऐप और अपना काम चालू कर दूंगा। चलो करते हैं काम चालू। ये फटाकड़े क्यों फोड़ रहे क्या मालूम है, दोपहर के टाइम पे कोई मेहमान आया है क्या, शादी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर इधर अंदर कुछ तो है ऐसा लग रहा है मुझे, अंदर कुछ कार्यक्रम है ये फुल मार्केट में, तो उसके लिए फटाकड़े जला रहे इस तरफ अंदर। पैसेंजर को अभी मैंने ताज लैंड एंड करके होटल में बैंड्रा बैंड स्टैंड के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे आने के लिए आधा घंटा लग गया, 12 किलोमीटर का राइड था। 12 किलोमीटर में मैंने अर्निंग कितना हुआ है देखा नहीं है, अब थोड़ा टाइम में बताता हूँ। यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ और अपना खाना पीना खा के फिर आगे बढ़ लेंगे। गरम गरम है ना, मस्त एकदम, मजा आएगा खाने की। लगाना हाँ ये लगाना, और अलग से थोड़ा दे देना एकदम गरम गरम खाना। हाँ दोनों आँख खराब है क्या उसके, एक आँख ना दोनों बराबर तो ऐसा कि छोटा हो गया ऐसा बचपन से। अच्छा दिखता है उसको, पर ये ऐसा क्यों हो गया उसको, ग्रहण लग गया ग्रहण। अच्छा ये हो गया एक सिंगल समोसा। हाँ और एक सिंगल वड़ा, वड़ा ये दिया ना। अभी मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ, अभी देखा मैंने समोसा पाव ले लिया खाना खाने के लिए। कुछ ना कुछ अच्छा रहता है खाना खाने के साथ मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी टोटल मेरा अर्निंग 1122 रुपये का हो चुका है, और जैसे मैंने कहा था कैश आउट करके दिखा, अपने को एक नया सिस्टम मिला है जिससे हम लोग अमाउंट अपने अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे। तुरंत तो नहीं, मुझे लग रहा है 1 घंटे के बीच में ही अपने को ये अमाउंट अपने अकाउंट में आ जाएगा। मैं इसको कैश आउट नहीं करूँगा क्योंकि रोज़ सुबह अमाउंट आ ही जाता है, तो जिनको भी ज़रूरत है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा 1122 रुपये का, मुझे शो कर रहेगा आपको कि मैं ये अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा सुविधा दी है ओला ने कि अपना कैश आउट अपन निकाल सकते हैं पैसे अपने अकाउंट में। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, जो भी है डिटेल बता दूंगा। थोड़ा समुंदर के आगे जा रहा हूँ, गाड़ी पीछे खड़ी की है पर डर लगता है गाड़ी खड़ा करने के बाद कोई टोचन वाला तो नहीं आ जाएगा, पर इतने नज़दीक आया है तो ऐसा चांस कौन छोड़ेगा ना सामने से समुंदर देखने का। पैर यहाँ पे फिसल सकता है।
मैं बैंड स्टैंड से निकल रहा हूँ अभी। यहाँ से बैंड स्टैंड से निकलते ही मुझे तुरंत थोड़ा आगे आया मैं, और मुझे अभी बुकिंग लगी है लोअर परेल के लिए। लोअर परेल जहाँ से मैंने अभी पैसेंजर को पिकअप किया था यहाँ पे ड्रॉप करने से पहले, वहाँ से अभी फिर से वही भी ड्रॉप दिख रहा है। तो अभी पैसेंजर को ड्रॉप कर लेता हूँ और जाता हूँ पिकअप करने के लिए। 2 किलोमीटर से पिकअप पॉइंट दिख रहा है। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। अपने लेफ्ट साइड में सलमान खान का घर दिख रहा है, गैलेक्सी। आपको एक बार दिखा दे, किसी को पता नहीं रहेगा तो उसको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा रुक के। ये जो दिख रहा है आपको सलमान खान का बंगलो है, बिल्डिंग है। ये जो गैलरी दिखी है, गैलरी जो बंद करके रखी है, गैलरी में आके लोगों को हाथ दिखाते हैं अपने बर्थडे के दिन पे या फिर ईद के टाइम पे। यहाँ पे वो गैलरी में आते हैं और सबको वेलकम करते हैं करके। तो अभी वेट कर रहे हैं पैसेंजर, तो उनको जाता हूँ पिकअप कर लेता हूँ। अभी मैंने पैसेंजर को यहाँ पे फिनिक्स मॉल में ड्रॉप कर दिया। आप देख सकते हो फिनिक्स मॉल है ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिखा है फिनिक्स मॉल, और ये बहुत बड़ा मॉल है। और दिन में दूसरी बार मैंने पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया है। इसके पहले फर्स्ट राउंड था पनवेल से लेके यहाँ तक, फिर अभी बांद्रा से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। और अमाउंट भी 10 किलोमीटर के लिए 270 रुपये मिला है मुझे। आधा घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए। एक बुकिंग अभी आई थी पर उठा नहीं पाया, क्या पीछे आगे पीछे गाड़ी खड़ी थी तो उसमें से बाहर निकालना मुश्किल। पहले गाड़ियों को देखना पड़ा, उसके बाद उठाओ क्या क्या करूँ ऐसा लगा। तो अमाउंट भी बहुत अच्छा बना है, 3 राउंड में 1, 2, 3, 4 स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। 1, 2, 3, 4 का अमाउंट बना है 3 राउंड में, बहुत ही अच्छा अमाउंट हुआ है। शाम के 4:15 हो चुके हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी और कौन सी लगेगी। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और काम करते हैं अपना। चलो चलते हैं। लोअर परेल से मुझे बुकिंग लगी थी दादर के लिए। दादर में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और संतोष नगर करके एक एरिया था वहाँ पे ड्रॉप किया। उसके बाद तुरंत मुझे लगी है अभी ये यहाँ पे लोअर परेल के मेन हाईवे पे भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी ऑफ रेसिडेंस एरिया है, तो यहाँ पे आके खड़ा हूँ। तो उस राउंड का 170 रुपीज़ दिया है। अभी मैं मरोल के लिए ये बुकिंग है, मरोल के लिए 15 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 15 मिनट दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा रश है, करना पड़ेगा कम से कम। कहाँ भी जाएंगे तो रश तो मिलने वाला है ना। तो अच्छा ये भी राउंड कर लेंगे। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं आप देख सकते हो। तो अपने को 1 घंटा और लगेगा जाने के लिए वहाँ तक, मतलब समझिए 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर अपने घर की तरफ या किधर और भी अर्निंग हो पाएगा तो देख लेंगे। तो अभी तक का मेरा 4 राउंड में 1350 रुपये का अर्निंग हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी और कैसे लगेगी। अभी मैं पनवेल पहुँच चुका हूँ। लास्ट आपको आपसे बात की थी तब मैं अंधेरी में था, पर अंधेरी से मुझे कोई मतलब जल्दी बुकिंग नहीं लगी। ऐसा कंडीशन हो गया था कि ना मैं वहाँ पे 8:30-9 बजे अंधेरी में था, पर मुझे वहाँ पे 4 घंटे की रेंटल बुकिंग लगी जो कि 9 बजे का टाइम था उसमें रेंटल बुकिंग का। तो मुझे वो समझा नहीं, मैंने नहीं उठाया। उसके बाद गो होम का फीचर डाल दिया मैंने गाँव, पर 1 घंटे के बाद मुझे बुकिंग लगी। आई थिंक वो बुकिंग मुझे 10:15 या 10:30 के आसपास लगी थी, कोपर कैनर की थी। तो कोपर कैनर में पैसेंजर को ड्रॉप किया, पर एक मतलब 3 पैसेंजर थे उसके अंदर, उनको कोपर कैनर ड्रॉप करना था और एक को तलोजा, पर उन्होंने कोपर कैनर तक ही बुकिंग की थी। उसके बाद मैंने उनसे बात किया था आपको कहाँ जाना है करके, तो उन्होंने कहा कि तलोजा जाना है। तो उनको पैसेंजर को मैंने तलोजा आगे ड्रॉप कर दिया। तो
जो अंधेरी से कोपर कैनर का अर्निंग हुआ था वो 460 रुपए दिया गया विद टोल दिया गया 27 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद मैंने वही पैसेंजर वो दूसरे पैसेंजर को जो गाड़ी में साथ में ही थे उनको मैंने तरोजा में ड्रॉप किया, उसको मैंने 350 रुपये का चार्ज किया। वो 350 रुपये मुझे टोटल मिल गए, मेरे पास आ गए, उसमें ओला का कोई हाथ नहीं है, वो डायरेक्ट वो मुझे बुकिंग मिल गई। तो टोटल आज की बुकिंग 2600 रुपये की हो गई जो कि 12 घंटे की थी, क्योंकि 12 बजे मैंने गाड़ी दोपहर को ऑन की थी पहला ड्यूटी लिए, उसके बाद ड्रॉप किया रात को 12 बजे, फिर 1 बजे तक मैंने मतलब थोड़ा खाना पीना, भूख लगी तो खाना पीना खा के फिर निकल आया, तो 1 बजे तक मेरा खाना भी हो गया। तो दिन पूरा दिन ऐसा चला गया, 12 घंटे में मैंने 7 बुकिंग कंप्लीट की है और 7 बुकिंग में मैंने 2600 रुपये का अर्निंग किया है। और ख़राब नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर ट्रैफिक कम रहेगा ना तो 10 भी राउंड मार सकते हैं, पर ट्रैफिक इतना हैवी है उसके बाद 7 राउंड होना है तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं गाड़ी चला रहा था, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाया। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तो अब तक अपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।